नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल धर्म संदेश। दोस्तों, जमीन के अंदर जो पानी है वो बेहद पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। उस पानी में बहुत सारे हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए उसको फिल्टर किए बगैर उसको पीना नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन आप जानते हो, जो फिल्टर किए हुए जो पानी होता है उसके अंदर जो पानी में जो जीवनदायिनी गुण होता है वो सभी पदार्थों को जला के खत्म कर देता है। अब फिल्टर किया हुआ पानी जो आप पियोगे तो भी आपको हानि करेगा। यानी कि पानी जो हमारे लिए जीवनदायिनी था, जो पानी हमारे लिए अमृत स्वरूपा था, जिसके बगैर जीवन चलाना बेहद मुश्किल था, इंसान के सामने ऐसा खतरा समय आ गया कि वो अगर डायरेक्ट पिए तो भी हानिकारक है और फिल्टर करके पिए तो भी हानिकारक है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ हमारे आयुर्वेद हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ कुछ अर्क निर्माण की कुछ विधि है, और इस अर्क को अगर आप फिल्टर करके रखा हुआ उस पानी में थोड़े से इस अर्क को अगर आप डालते हो तो पुनः आपका वो फिल्टर किया हुआ पानी एक नेचुरल वाटर के रूप में आपके सामने होगा, और उसको आप पियोगे तो वो तमाम समस्या आपके सामने नहीं आएगा जो समस्या फिल्टर किए हुए पानी पीने से आजकल आ रहा है। आप देखते होंगे, हॉस्पिटल में चले जाना, डॉक्टर के पास चले जाना, डॉक्टर अगर आपका नजदीक का अपना होगा तो वो कहेगा कि जितने भी पेशेंट है ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम की कमी होने के वजह से आ रहे, जितने भी पेशेंट है उनके नसों की कमजोरी ज्यादा नजर आ रहा है, जितने भी पेशेंट है उनके शरीर में वायु बढ़ता नजर आ रहा है, गठिया के पेशेंट आज के समय में ज्यादा है, हार्ट का पेशेंट आज के समय में ज्यादा है, डायबिटीज का पेशेंट आज के समय में बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि एपिलेप्सी सरीखे ब्रेन से रिलेटेड जो पल्स की जो प्रॉब्लम है वैसे पेशेंट आज बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेस आदि हो रहा है लोगों में ज्यादा, क्योंकि शरीर के अंदर जो विटामिन से मिनरल्स वगैरह संचालित करने वाला पानी जिसे इंसान को हमेशा हर एक घंटा आधा आधा घंटे में जिसको पीना जरूरी होता है, और वही पानी इंसान के शरीर के अंदर सभी दुर्गुणों को खत्म करने के लिए, सभी कमी कमजोरियों को नष्ट करने के लिए या कमी को पूरा करने के लिए जो पानी था वो पानी भी अब इंसान को साथ देने योग्य नहीं रहा। तो आइए जरा फटाफट हम कुछ अर्क बनाने की विधि सीख लेते हैं। अगर आपने अपने घर में इस अर्क बना करके तैयार करके रख लिया तो आपने क्या करना है कि आपके घर में जो फिल्टर जो मिनरल वाटर है उस मिनरल वाटर में इस अर्क को डाल करके आप तैयार करके इसको डालिए। डालने के बाद आपका जो मिनरल वाटर है बिल्कुल तालाब के पानी जैसा हो जाएगा, यानी उसके अंदर बिल्कुल जो अच्छे गुण है सब कुछ आ जाएगा, बुरा जो उसके अंदर के गुण है सब कुछ फिल्टर होके खत्म होकर चला गया, जल गया। आइए फटाफट देखते हैं कैसे इसको बनाना। आपने 25 ग्राम खाने वाला चूना लेना है जिसे गुटखा खैनी में डाल के लोग खाया करते। 25 ग्राम आपने इसमें शक्कर लेना है और 250 ग्राम पानी लेना है। आपने क्या करना, 250 ग्राम जो पानी है उसे आप किसी बोतल में डालिए 250 ग्राम पानी को, और उसके बाद उसमें आपने 25 ग्राम चूना को कूट करके उसमें डाल लीजिए, और 25 ग्राम जो गुड़ है या शक्कर है उसे भी आपने कूट करके उसी पानी में डाल देना, अच्छी तरह से घोल लेना ऐसा करके बढ़िया सा, ताकि चूना और शक्कर पानी में घुल जाए। इसको 12 या 15 घंटे के बाद इसको थोड़ा थोड़ा बीच में हिलाते रहना। 15 घंटे के बाद क्या करना, ऊपर से कपड़े से कपड़ा लगाइए अच्छी तरह से मोटा सा, और ऐसा करके छान लेना, सारा चूना और गुड़ अंदर कपड़े में रह जाएगा, जो पानी है पानी बाहर आ जाएगा। अब उस पानी में चूना के अंदर जो कैल्शियम आदि जो अच्छे गुण है, जो अकार्बनिक जो चीजें हैं वो उस पानी में आ जाएगा, और शक्कर चूंकि एनर्जी होता है, शक्कर जो जो गुण जो मीठा है वो एनर्जी है। हम चीनी नहीं ले सकते लेकिन शक्कर डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छा है। शक्कर यहाँ डालने का एक दूसरा मकसद ये भी है कि चूना जो है ना दोस्तों शक्कर में जल्दी घुल जाता है, तो शक्कर चूंकि पानी में जल्दी घुल जाता है इसीलिए शक्कर चूना के साथ मिलाकर के पानी में डालते हो तो उस पानी में चूना ज्यादा से ज्यादा आएगा, जो अकार्बनिक जो पदार्थ है चूना में वो जल्दी ज्यादा से ज्यादा आएगा। अब कपड़े से छानने के बाद ये जो पानी जो बन गया उसको इसी तरह से एक किसी पात्र में डालिए। यहाँ पर आपने डालना है दोस्तों 80 बूंद कपूर का अर्क, फिर से सुनना, कपूर का अर्क। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसको आपने 36 बार सुनिए बेशक, लेकिन मुझे फोन मत कीजिए,
ठीक है ना जी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान से सुनते भी नहीं और फोन कर लेते, सर कैसा था वो। अरे भाई वो सुनो, वीडियो में पता चल जाएगा आपको। समझा समझा कि मैं बता रहा हूं। इस पानी में जो आपने छान करके, चूना और शक्कर छान के तैयार किया है, उस पानी में आपने 80 बूंद कपूर का अर्क डालना है और 60 बूंद सौंफ का तेल डालना है। वैसे आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि सौंफ का जो तेल है वो पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपने क्या करना, ऐसा एक खरल ले लो, इस खरल में आपने थोड़ा सा खाने वाला सोडा मिला लो, इसमें हल्का सा ले लो, और उसमें 60 बूंद सौंफ का तेल डाल करके थोड़ा सा घोट लेना, अच्छी तरह से घोट लो इसको। उसके बाद उसको आप दोबारा इसमें डालोगे तो सारा सौंफ उस पानी में घुल जाएगा सोडा के माध्यम से, ठीक है। उसके 60 बूंद आपने यहाँ पर सौंफ का तेल डाल दिया। अब यहाँ आपने क्या डाल, क्या करना है, 30 बूंद सौंठ, सौंठ अदरक सूखा हुआ जो सौंठ है उसको आपने 30 बूंद डालना है। 30 बूंद सौंठ इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको ऐसा करके हिलाइए ताकि ये सभी एक जान हो जाए। बस ये आपका बहुत अच्छा ये अर्क, ये जो दवाई है आपका, ये तैयार हो गया। अब इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे विटामिन्स है, मिनरल्स है, और पानी में मिलने वाली जितने भी जो अच्छे गुण है, अच्छा जो क्वालिटी है, अच्छा जो विटामिन्स वगैरह है जो पानी पीने से इंसान के शरीर को जो फायदा देता है, अब वो सभी इसमें है। पानी आपका मिनरल जो फिल्टर किया हुआ पानी आपके पास है, उस पानी में थोड़ा सा इस अर्क को यहाँ पर डाल दीजिएगा उस पानी के अंदर, बस फिल्टर करके खत्म, जो खराब जो चीजें चला गया। अब फिल्टर वाले पानी में इसको डालोगे तो जो जीवनदायी नहीं, जो अमृत रूपा जो पानी के अंदर जो मिनरल जो है वो हुबहू इस अर्क के माध्यम से उस पानी में चले जाएगा। अब इस पानी को पीने से आपके शरीर में सभी चीजों की जो कमी है उसकी पूरा पूरी ये कर देगा। दोस्तों ये जो है कैल्शियम का बड़ा अच्छा स्रोत बनेगा, सभी तरह के विटामिन्स और सभी तरह के एनर्जी वो इसी अर्क में आपको उपलब्ध होगा। कभी भी कहीं भी जाओगे तो इसको साथ में लेके चले जाना, और जब आप पानी पीते हो फिल्टर वाला में, उस फिल्टर वाले पानी में कुछ बूंद इसको डाल करके, वैसे 6 लीटर पानी में 100 बूंद ये डालना चाहिए इस अर्क को, 6 लीटर पानी में, ठीक है। अब छोटे बच्चे हैं, देखो इसको हम औषधि के रूप में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो नव जन्मजात बच्चे जिसके अभी अभी नए दांत निकल रहे हैं, और ऐसे में दांत निकलते वक्त बच्चे को दर्द होता है ना दांत में, उसके शरीर में बुखार वगैरह भी होता है, तो इसको, इस अर्क को 20 से लेके 30 बूंद तक थोड़े से पानी में मिला करके पिला दो। रोज पिलाओगे तो दांत निकलते हुए उसको बुखार नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगा। बच्चों के जितने भी जो 100 प्रकार के जो समस्या है ना बच्चों के, वो सभी समस्या में ये दवाई हूबहू काम करता है। यानी बच्चों में लूज मोशन हो तो भी ये दवाई, बच्चों में भूत प्रेत की समस्या, रात में उठ करके नींद में रोना, या और भी बहुत सारे बच्चे करते रहते रात भर रोना, हाँ रोते रहना, किसी की बात नहीं सुनना, झगड़ा करना, खाना खाने के लिए मना करना, पेट उसका साफ न रहना, हमेशा लूज मोशन, उल्टी करना, दस्त आदि जितने भी जो समस्या बच्चों में, उन सभी समस्या में ये, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर देखो ना हमने सौंफ और सौंठ का अर्क डाला है, तो ये नसों को भी मजबूत करता है, वायु को एक बैलेंस में रखता है, तीन दोषों को, चूना का जो पानी के अंदर जो चूना चला गया वो कैल्शियम भी भर भर करके आपको दे देता है। तो इसके डालने के बाद पानी ऐसा अमृतमय बनेगा कि उसके इस्तेमाल से चाहे डायबिटीज वाले भी स्वस्थ होंगे, गठिया वाले भी इस, क्योंकि यहाँ पर आपका सौंफ का अर्क है। तो कुल मिलाकर के यह है कि सभी तरह के रोगों का सबसे बढ़िया दवाई है। जिस प्रकार से जीवनदायिनी जल पीने से सभी समस्याएं शांत हो जाते हैं, सभी प्रकार के रोग भी शांत हो जाता है, उसी प्रकार से ये जो अर्क अगर आप पानी में डाल करके अगर आप इस्तेमाल करने का आदत कर बनाते हो तो जरूर आपको आपके शरीर में जो आवश्यक खनिज पदार्थ है, जो आवश्यक जो प्रोटीन आदि जो चीजें हैं वो आपको हूबहू मिलता रहेगा। तो दोस्तों आइए जरा इसको बनाइए, अपने घर में रखिए, इसको बनाने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। आपको शायद कपूर का अर्क शायद न मिले, अगर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है। अगर कपूर का अर्क नहीं मिलता तो आप शायद गिलोय गिलोय घन सत्व, आपने गिलोय का जो घन सत्व है उसे आपने लेना है। वो भी आपने तकरीबन भी लगा लो कि 50 गिलोय घन सत्व, समथिंग 50 ग्राम तक आप ले लेना, 50 ग्राम की भी जरूरत नहीं है, गिलोय घन सत्व आप ले लो 10 ग्राम तक। तो
तो 10 ग्राम किलो घनसत्व लेकर के उसको यहाँ पर मिला लेना, 50 ग्राम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसको मिला लेना। तो अगर कपूर का अर्क ना मिले, तो वैसे कपूर का अर्क मिले तो इस दवाई का जो मुख्य जो घटक है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका बहुत अच्छा अर्क, जिसका इस्तेमाल करके आप और आपके परिवार अपना खुशहाल जीवन जिएंगे, बिल्कुल आरोग्यता आपके शरीर में आएगा। मुझे दे दीजिएगा विदा। दोस्तों इस तरह का वीडियो अगर आप मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हो तो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख लीजिए, लेकिन कृपया मेरे दूसरे वीडियो में से नंबर को लेकर के इस चीज के लिए कम से कम ये जो वीडियो है इसके लिए मुझे आप फोन मत करिए, क्योंकि तरह तरह के लोग फोन करते हैं और मेरा अपना जो रूटीन है काम का वो थोड़ा सा बाधित हो जाता है। तो इसको आप कई बार सुन लेना तो आपको पता चल जाएगा, वीडियो बार बार रिपीट करके सुनते रहो तो कैसे बनाना पता, बना करके आप रख लो अपने घर में, आपको बेनिफिट देगा। मुझे दे दे विदा। जय श्री राम।